हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सम क्लासेस में। आज हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी कराएंगे आपको। और जब तक आपके एग्जाम नहीं आते तब तक हम आपके साथ हैं। ये हमारा आपसे वादा है कि आपके एग्जाम जब तक नहीं होते तब तक हम आपके साथ हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट से आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक नाइट्रोजन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तत्व। देखिए, आप एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा नाइट्रोजन परिवाहक तत्व, ऑक्सीजन परिवाहक तत्व, हैलोजन परिवाहक तत्व और अक्रिय गैसें या शून्य वर्ग के तत्व। सबसे पहले देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसे है। आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में यहाँ पे दे देगा आपसे नाइट्रोजन परिवार तत्व, नाइट्रोजन परिवार तत्व। अगर यहीं पे आपसे दे सकता है ऑक्सीजन परिवार तत्व, ऑक्सीजन का ही पूछ सकता है आपसे, जरूरी नाइट्रोजन का ही पूछेगा। ऑक्सीजन परिवार का तो भी दे सकता है आपसे, ऑक्सीजन की जगह आपसे हेलोजन का भी दे सकता है, हेलोजन का, ठीक, हेलोजन पर तत्व, हेलोजन परिवार तत्व। फिर आपसे यहाँ पे दे सकता है अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें। ये क्वेश्चन आप एग्जाम ऐसे बनता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में नाइट्रोजन परिवार तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, हेलोजन परिवार के तत्व, अक्रिय गैसें की स्थिति की विवेचना कीजिए, की स्थिति की विवेचना कीजिए, की स्थिति की विवेचना कीजिए। ये आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है, विवेचना कीजिए। और आपसे बता दूं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर का बनता है, 3 से 4 नंबर, 3 से 4 नंबर ये क्वेश्चन बनता है। अगर आपने ये चारों तैयार कर लिए, नाइट्रोजन परिवार तत्व, ऑक्सीजन, हेलोजन, आखिरी कैसे हैं शून्य वर्ग तत्व जिसे कहते हैं, अगर आपने इन चारों को तैयार कर लिए तो आपके 3 या 4 नंबर पक्के फिक्स हैं। तो आज की वीडियो में हम कराने वाले नाइट्रोजन पर, नाइट्रोजन परिवार तत्व। अगले वीडियो में कराएंगे ऑक्सीजन, फिर इसकी में हेलोजन, फिर अक्रिय गैसें। आइए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व में कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमें तैयार करने हैं। ये था आपका क्वेश्चन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में नाइट्रोजन परिवार तत्वों की स्थिति की विवेचना कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में। आइए देखते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व। लिखिए पहले हेडिंग बनाइए, नाइट्रोजन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तत्व। ये हेडिंग बना लीजिए आप, नाइट्रोजन परिवार के तत्व। आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में लिखते चलना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, सब कुछ बता रहा हूँ आपको। थोड़ा इसको छस कर लीजिए। इसमें आपको लिखना है नाइट्रोजन परिवार तत्व, लिखेंगे आपकी वर्ग 15, फिफ्थ ए के तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। तत्व कहते हैं, यानी कि हमने लिखा वर्ग 15 फिफ्थ ए के तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। इसका मतलब क्या है भाई, यानी कि वर्ग 15 फिफ्थ ए, ध्यान दो, वर्ग 15 फिफ्थ ए, ये जो 15 है ना आपका दीर्घाकार आवर्त सारणी के अनुसार है। किसके अनुसार? दीर्घाकार आवर्त सारणी के अनुसार। अब कहोगे फिफ्थ ए किसके अनुसार है? फिफ्थ ए आपका मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार है, मेंडलीफ के। फिफ्थ ए आपका मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार है, और वर्ग 15 आपके दीर्घाकार आवर्त सारणी के अनुसार है। हमने लिखा वर्ग 15 फिफ्थ ए के तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। एक लाइन और लिखिए इसमें कि इस वर्ग में 5 तत्व हैं, इस वर्ग में 5 तत्व हैं, इस वर्ग में 5 तत्व हैं, इस वर्ग में 5 तत्व हैं। इस वर्ग में कितने एलिमेंट्स हैं भाई? इस वर्ग में 5 एलिमेंट्स हैं। इस वर्ग में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। वर्ग 15 फिफ्थ ए के तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। मेरे साथ याद करते चलो, इस वर्ग में 5 तत्व हैं, इस वर्ग में 5 तत्व हैं। इन तत्वों को
चौदहवें वर्ग की बात था, चौदहवें वर्ग की बात था, इन तत्वों को चौदहवें वर्ग की बात था, सोलहवें वर्ग से पहले रखा गया है, सोलहवें वर्ग से पहले रखा गया है। समझ में टॉपिक हमने जो लिखा फ्रेंड्स, इधर उधर हो जाए इससे मतलब नहीं, आपको यहीं पर याद करनी है, आपको ये टॉपिक चीज यहीं पर याद करना है, आपको कॉपी पर लिख और याद कर। वर्ग 15 फिफ्थ एक ही तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। क्या समझे हमने कि जो वर्ग 15 फिफ्थ एक एलिमेंट्स होंगे वही हमारे नाइट्रोजन एलिमेंट्स होंगे। इस वर्ग में 5 एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो इस तत्व में कितने एलिमेंट्स होंगे, 5 एलिमेंट्स होंगे। इन तत्वों को चौदहवें वर्ग के बाद था, सोलहवें वर्ग से पहले रखा गया है। इन तत्वों को 14 के बाद था, 16 से पहले, ये 14 के बाद था, 16 से पहले, इसका मतलब वर्ग 15 में रखा गया है। हमने तो बोले दिया कि वर्ग 15 फिफ्थ एक तत्वों को नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं। दिख रहा है फ्रेंड्स ये आपको, इसी में देखते हैं हम। यहाँ फ्रेंड्स हमने इसको कर ये 14 है, फोर्थ ए, इसको हम लिख सकते हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि या 14 किसके अनुसार, दीर्घाकार आवर्त सारणी के अनुसार, ये फोर्थ ए मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हमने कर दिया 15 यानी फिफ्थ ए, यहाँ पे हमने कर दिया 16 यानी सिक्स्थ ए, किसी को दिक्कत नहीं होगी। दिख रहा है यहाँ पे पूरा, देखिए 1 2 3 फ्रेंड्स, थोड़ा नीचे कर दूँ, कर देता हूँ थोड़ा सा नीचे, दिख रहा है आपको तो। फोर या पर आप 5 1 2 3 4 5 देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं। आपके 15वें वर्ग में रखा गया है आपका नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान, भी ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक भी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्जेनिक, एंटीमनी, बिस्मत, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्जेनिक, एंटीमनी, बिस्मत, या फिर 15वें वर्ग के एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 हो रहे हैं। 14वें वर्ग में कौन कौन से रखे गए हैं, इसमें रखा गया आपका कैसे जिए सनम पैसे बिन, कैसे जिए सनम पैसे बिन, कैसे जिए सनम पैसे बिन, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, लेड, कैसे जिए सनम पैसे बिन। क्या समझे कि कैसे जिए सनम पैसे बिन, पैसे बिन, पैसे बिन, पैसे बिन, हो गया। और 16वें वर्ग में रखे गए आपके ओ स सी टी पी ओ, ओए शशि टीपीओ, ओए शशि टीपीओ, ओए शशि टीपीओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिनियम, टेलुनियम, पोलोनियम, इसको याद रखो, अब इसको याद रखना। क्या हमने बताया नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान, कैसे जिए सनम पैसे बिन, ओ शशि टीपीओ, इसका हमने नाम भी बता दिया आपको, ये कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये एंटीमनी है, ये लेड है। सॉरी फ्रेंड्स, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस SN को हम बोलते हैं टीन है, ये आपका क्या है, टीन है, और SB आपका एंटीमनी है, AS आर्जेनिक है, P फास्फोरस, N आपका नाइट्रोजन है, BI बिस्मत है। समझ में आ गया, इसको चलते हैं अगले पॉइंट पे। इसमें दो चार पॉइंट और हैं, देख लेते हैं इसको भी। हमें पूछा क्या था क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके निकालने हैं। हमें पूछा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, इसका मतलब हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने होंगे। तो लिखिए फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विन्यास मेरे साथ करते चलिए आप भी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं, इन तत्वों के बाएं को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इन तत्वों के बाएं को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
इन तत्वों के बाएं कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन तत्वों के बाएं कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। NH2NP3 होता है, ध्यान देना, डेट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं। क्या मैंने लिखा? इन तत्वों के बाएं कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। इन तत्वों के बाएं कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। इन तत्वों के बाएं कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। इन तत्वों के बाएं कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। इन तत्वों के बाएं कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। याद हो रहा है मेरे भाई? एन इसका मतलब, आइए देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कैसे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं आपके, हमें किसके निकालने हैं? वर्ग 15 में कौन कौन से एलिमेंट्स थे हमारे? था आपका, हमारा नेपाल था, पाकिस्तान था, ऑस्ट्रेलिया था। याद आ रहा है? नेपाल था, पाकिस्तान था, ऑस्ट्रेलिया था, सब था, बेईमान था। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत। अब देख लेते हैं इसके हम एटॉमिक नंबर क्या क्या होंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, फास्फोरस का क्या होता है, और आर्सेनिक का क्या होता है, और एंटीमनी का क्या होता है, बिस्मत का क्या होता है? ठीक, नाइट्रोजन का आपका होता है, नाइट्रोजन होता है आपका 7 पे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7 होता है। फास्फोरस का 15 होता है, आर्सेनिक का 33 होता है, और आपका जो एंटीमनी है, एंटीमनी का 51 होता है, और बिस्मत का आपका 83 होता है। किसी को कोई डाउट? नहीं डाउट। आइए करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फ्रेंड्स एक मिनट, कलर पेन की कलर चेंज कर देता हूँ, इससे मैं करता हूँ। ठीक, इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स आपको? ठीक फ्रेंड्स, इसका होगा नाइट्रोजन का 1H2, 2H2। आपने क्लास 11 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना जरूर सीखे होंगे। ठीक, नाइट्रोजन 1H2, 2H2, 2P6, 1H2, 2H2, 2P3, 3H2, नहीं फ्रेंड्स हो गए। ठीक, यानी कि 1H2, 2H2, 2P3, 3 2 5 2 7 हो गए इसके। 1H2, 2H2, 2P3, 1H2, 2H2, 2P3। फास्फोरस करते हैं, 3 2 5 2 7, 7 हो रहे हैं। फास्फोरस से हमें करने 15 चाहिए हमें, तो 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P3। देखिए फ्रेंड्स कितने हो रहे हैं, 3 2 5 6 11 2 13 2 15 सही है। आप ही काउंट कर लीजिए, 15 ही होंगे। इसको 33 है ना, कर लेते हैं इसको। आइए 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 3P6। फ्रेंड्स इसमें आपको एक चीज ऐड करनी है, 3P6 के बारे में आपको एक चीज ऐड करनी है, 3D10, 3D10, 3P6, 3D10। फिर आपको लिखना है 4H2, 4P3। अब इसको ऐड कीजिए, कितने हो रहे हैं, 3 2 5 10 15 6 21 2 23 23 हो गए हैं, 23 6 29 29 2 31 2 33, एकदम करेक्ट है। आइए इसी का लेते हैं एंटीमनी का। फ्रेंड्स मैं ब्लैक से ही करता हूँ, ये पेन हल्की चल रही है थोड़ी। 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 3P6, 3D10, 3D10, 3D10 हो गया, 4H2, 4P6, 4H2, 4P6 हो गया, 5H2, 5P3, 5P3 इसको ऐड करते हैं फ्रेंड्स। आइए 5P3 हो गया, ऐड करिए फ्रेंड्स इसको, सही हो रहे हैं, ऐड कीजिए, सही है फ्रेंड्स, सही है, सही है फ्रेंड्स, हमने ऐड कर लिया। आप एक बार ऐड कर लीजिएगा, 51 ही होंगे। आइए देखते हैं इसके बिस्मत के, बिस्मत का होगा आपका 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 3D10, 4H2, 4P6, यहाँ पे आपको ऐड करना है 4D10, और 4 है 14,
और 5 H2 5 P 3 5 H2 5 P 6 फ्रेंड्स, 5 P 6 हो जाएगा, 5 P 6 6 H2 6 P 3। इसको ऐड कीजिए, आप ऐड कीजिए इसको, 1 H2 2 H2 2 P 6 3 H2 3 P 6 3 D 10 4 H2 4 P 6 4 D 10 4 F 14 5 H2 5 P 6 6 H2 6 P 3। इसको ऐड कीजिए, कितने हो रहे हैं, ऐड कीजिए फ्रेंड्स इसे भी। सही हो रहा है फ्रेंड्स, सही हो रहा है, सही है ना बिस्मत का फ्रेंड्स। एंटीमनी 1 H2 2 H2 2 P 6 3 H2 3 P 6 3 D 10 4 H2 4 P 6 फ्रेंड्स। इसमें एक चीज हमें छूट गया, यहाँ पे 4 D 10 हो गया, 4 D 10 हो गया यहाँ पे। अब 5 H2 5 P 3 अब सही है, 3 2 5 10 15 15 6 21 21 2 23 23 और 10 33 सॉरी फ्रेंड्स, हाँ 33 33 6 39 39 2 41 41 6 47 47 2 49 49 2 51 एकदम करेक्ट है इसका, इसका भी लीजिएगा आपका 83 ही होगा। ठीक, अब हम इसको इरेज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया आपको, इन तत्वों के बाएं कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है, इन तत्वों के बाएं कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको फ्रेंड्स। एक बार प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक सही हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इन तत्वों के बाएं कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। इधर देखिए फ्रेंड्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, लास्ट में हमेशा सब में दिख रहा है आपको H2P3H2। यहाँ पे N की जगह कुछ भी रख सकते हैं आप, N की जगह कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे N की जगह हमने 2 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, तो आप N की जगह कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनके बाएं कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, H2 है P3 है H2 है P3 है H2 है P3 है, सब में आपको यही मिलेगा H2P3H2P3। समझ में आया आपको, तो इसके इनके बाएं कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, NH2NP3 होगा। चलते हैं अब अगले हेडिंग पे, इसकी वैलेंसी देखते हैं। और दो चार पॉइंट और है, वैलेंसी संयोजकता है, हेडिंग बनाइए संयोजकता। संयोजकता है वैलेंसी, अगली हेडिंग है फ्रेंड्स संयोजकता वैलेंसी। इसको इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी, वैलेंसी VALENCY वैलेंसी, संयोजकता वैलेंसी। इसमें लिखेंगे हम, यहां पर लिखते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की, हमने लिखा नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की सामान्य संयोजकता, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की सामान्य संयोजकता ठीक 3 होती है। हमने क्या लिखा, सभी चीजें आपको छोटी छोटी पॉइंट में मैं क्लियर करा रहा हूँ, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की सामान्य संयोजकता 3 होती है। लेकिन नाइट्रोजन को छोड़कर, लेकिन नाइट्रोजन को छोड़कर वर्ग के अन्य सभी तत्व पंच संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, पंच संयोजकता प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स। हमने प्रदर्शित ऐसे लिखा, लेकिन आप इसको हिंदी में लिखिए प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन परिवार तत्वों की सामान्य संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। लेकिन नाइट्रोजन को छोड़कर वर्ग के अन्य सभी तत्व पंच संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसे कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि N बराबर आपका NH3 हो सकता है, NCl3 हो सकता है, N बराबर आपका NH3 हो सकता है, NCl3 हो सकता है, लेकिन NCl5 नहीं हो सकता। यानी कि नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता 3 होती है, P बराबर आपका PCl3 हो सकता है और PCl5 भी हो सकता है। आप जानते हो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी हो सकता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी हो सकता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों फ्रेंड्स, ऐसा क्यों, यानी PCl3 लिखा हमने, अब PCl5 लिखा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, NH3 और NCl3।
हमने कहा कि n बराबर एन सी एल फाइव नहीं होता, लेकिन पी सी एल थ्री पी सी एल फाइव दोनों होता है। ऐसा क्यों? अच्छा, कभी आपने सोचा है कि पी सी एल थ्री हो रहा है, क्यों पी सी एल फाइव दोनों हो रहा है? नहीं ना, आपको मैं बता देता हूँ। इसको नोट हो गया, ये नोट कर लिया आपने कि नाइट्रोजन पर तत्वों की सामान्य संरचना कितनी होती है? तीन होती है। लेकिन नाइट्रोजन को छोड़कर वर्ग के अन्य सभी तत्व पंच संरचकता प्रदर्शित करते हैं। आपको बताते हैं, हमने लिखा था PCl3 या PCl5 दोनों होता है, लेकिन NCl3 NCl5 नहीं होता। ऐसा क्यों? आपने पढ़ा था इन तत्वों के बाएं कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? क्या था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? NH2 था और NP3 था, यही ना था? तो फ्रेंड्स, हमने एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है। पी उपकोष में तीन कक्षक होते हैं आपके, और कितने इलेक्ट्रॉन दिए अभी? तीन, तीन इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए इसमें। और डी उपकोष में आपके पांच कक्षक होते हैं, एक दो तीन चार पांच हो गए। अब इसमें पांच कक्षक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें एक भी नहीं दिख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं। यानी कि फाइव जो आपका ये डी उपकोष होता है, ये डी उपकोष है, आपका पी उपकोष है, ये आपका एस उपकोष है। एस उपकोष में आपके दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी उपकोष में तीन कक्षक होते हैं और तीन इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और डी उपकोष में फाइव कक्षक होते हैं लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। एक भी इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। एनएच टू एन पी थ्री होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें डी उपकोष दिया ही नहीं है। तो इस अवस्था को कहते हैं, इस स्टेज को कहते हैं हम उत्तेजित अवस्था, सॉरी फ्रेंड्स, तलस्थ अवस्था। इसको हम कहते हैं तलस्थ अवस्था, तलस्थ अवस्था, या इसको हम हिंदी में कहते हैं नॉर्मल स्टेज, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल स्टेज, हिंदी में कहते हैं तलस्थ अवस्था। इसको कहते हैं तलस्थ अवस्था जब डी उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन ना हो, तो इसमें कहते हैं तलस्थ अवस्था। इस समय आपका PCl3 बनेगा, इस समय क्या बनेगा? आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 बनेगा इस अवस्था में। लेकिन कभी गर्म करने पर या अनजाने से कहीं से उड़ के कैसे भी करके डी उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना मेरे भाई, डी उपकोष में एक, कितने में? एक दो तीन चार पांच है ना डी उपकोष में। एस उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आपके डी उपकोष में आ गया ना, इसमें तीन कक्षक होते हैं और तीन इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। मेरे कहने का मतलब है फ्रेंड्स, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर, यहाँ से समझिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक, निकल कर कहाँ चला गया? आपके डी उपकोष में चला गया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, चला गया आपका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ? इस डी उपकोष में, इस डी उपकोष में चला गया। डी एस उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन चला गया डी उपकोष में, एस उपकोष का एक इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में चला गया। था इस अवस्था को बोलते हैं हम, इस अवस्था को बोलते हैं फ्रेंड्स उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। और इस समय बनेगा आपका PCl5, इस समय बनेगा आपका PCl5। क्या समझे? कि जब एस उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर किस में चला जाए? डी उपकोष में। एस उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन निकल के डी उपकोष में, तो इस अवस्था को बोलते हैं उत्तेजित अवस्था, और उस समय आपको बनता है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और जब एस उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन हो, पी उपकोष में तीन इलेक्ट्रॉन हो, दिख रहे हैं कितने? दो तीन इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डी उपकोष में एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो, तो इस अवस्था को बोलते हैं तलस्थ अवस्था, और इस समय बनता है आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। समझ में आ गया? चलते हैं अगली हेडिंग पे, सारी चीजें आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, एक भी ऐसी पॉइंट नहीं होगा जो मैं आपको ना बताऊं। और हमें एक बार नहीं आएगा तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे हम, आएगा क्यों नहीं। अगले हेडिंग फ्रेंड, हमने बनाया धात्विक लक्षण, धात्विक लक्षण। देखिए फ्रेंड्स, धात्विक लक्षण में क्या लिखेंगे आप? इसमें लिखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ता है, धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ता है। ध्यान देना बस, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद करना कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाओगे तो धात्विक लक्षण क्या होंगे आपके भाई? बढ़ेंगे। यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ते हैं। अब देखते हैं कैसे। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बेईमान, देखते हैं कैसे बढ़ते हैं।
नाइट्रोजन आपका क्या है फ्रेंड्स? अधातु है, अधातु। फास्फोरस क्या है? अधातु है। आर्सेनिक क्या आपका? उपधातु है, उपधातु है। एंटीमनी क्या आपका? उपधातु है। और बिस्मत क्या है मेरे भाई? धातु है। कोई प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम होगी। हमने लिखा वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ता है, अधातु, अधातु, उपधातु, उपधातु, धातु। बढ़ रहा है ना, पहले अधातु था, फिर उपधातु हुआ, फिर धातु। यानी कि जो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक लक्षण क्रमशः बढ़ते हैं। धात्विक लक्षण क्लियर हुआ। अगली पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ, भौतिक अवस्था। यहाँ पे दिखेगा आपको, भौतिक अवस्था लिख देता हूँ। भौतिक अवस्था, इसमें याद रखिएगा कि नाइट्रोजन गैस है तथा वर्ग के अन्य सभी तत्व ठोस हैं। हमने कहा नाइट्रोजन गैस है, जो नाइट्रोजन होगा ये क्या होगा? आपका गैस होगा। तथा वर्ग के अन्य सभी तत्व क्या होंगे? वर्ग के अन्य सभी तत्व, अन्य तत्व ठीक ठोस हैं। क्या है? ठोस हैं। हमने कहा नाइट्रोजन गैस तथा वर्ग के अन्य सभी तत्व क्या है? ठोस हैं। कैसे? देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत। ये नाइट्रोजन क्या है भाई आपका? नाइट्रोजन आपका गैस है। नाइट्रोजन क्या है? गैस है। ये क्या है? ठोस है। ये क्या? आर्सेनिक क्या है? ठोस है। ये क्या आपका? ठोस है। ये भी आपका सॉलिड है, ठोस है। समझ में आया पॉइंट? हमने क्या कहा कि नाइट्रोजन गैस है तथा वर्ग के अन्य सभी तत्व ठोस हैं। नाइट्रोजन आपके गैस हैं लेकिन वर्ग के अन्य सभी तत्व ठोस हैं। सिर्फ नाइट्रोजन गैस होगा, सभी क्या होंगे? ठोस होंगे। भौतिक अवस्था भी हो गया, इसको इरेज करते हैं। एक दो पॉइंट और क्लियर करते हैं, फिर वीडियो खत्म हो जाती है। हमने अगली हेडिंग लिखी परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या फ्रेंड्स, आप ये सब हेडिंग लिखकर आ जाओगे, फुल मार्क्स आपको दे देंगे, जितने नंबर का पूछा गया होगा क्वेश्चन। और 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ जाता है आपके एग्जाम में। परमाणु त्रिज्या इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे आपके वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर। लिखता हूं मैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्रम से बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या क्रम से बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या क्रम से क्या होता है भाई? ठीक, बढ़ता है। हो गया ये पॉइंट। यानी कि वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होंगे? क्रम से धीरे धीरे बढ़ेंगे। यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या भाई क्रम से बढ़ते हैं। ये परमाणु त्रिज्या, ये वाली हेडिंग क्लियर हुई। अगली हेडिंग आपकी आयनन विभव। आयनन विभव इसमें क्या लिखेंगे आप? इसमें लिखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव क्रमशः घटता है। इसमें याद रखिएगा कि इसमें आप वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ेगा लेकिन आयनन विभव क्रमशः घटेगा। कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव क्रमशः घटता है। आयनन विभव क्रमशः घटता है। एक और हेडिंग लिख लीजिए, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता जितनी भी इसमें हेडिंग होंगी सभी लिख के आ जाएगा आप। इसमें क्या लिखेंगे आप? यानी कि इसमें भी आप ये लिखेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः घटती है। ठीक, क्रमशः घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव क्रमशः घटता है लेकिन परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ता है। समझ में आ गया फ्रेंड्स? और तो एक भी हेडिंग नहीं है, खत्म। आपको कल बताएंगे हम आपको ऑक्सीजन प्रवाह तत्व, कल आपको कराएंगे हम ऑक्सीजन प्रवाह तत्व। क्लास 12 जब तक आप एग्जाम नहीं करें तब तक हम आपके साथ हैं फ्रेंड्स। शाम को आपको इंग्लिश की वीडियो मिलेगी, 1 वर्ड सेपरेट ट्यूशन करा रहे हैं इसमें हम। इसके हम फर्स्ट फर्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं फ्रेंड्स, जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिए। क्लास 12 के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट बनाई है सत्यम क्लासेस गाजीपुर चैनल पे। जय हिंद।